सो हे गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिमालयन मॉन्क वेब ऑफ ब्लॉग्स में। तो आज के ब्लॉग में मैं बताऊंगा कि कौन सा ड्रोन मैं यूज़ करता हूं, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आते हैं मेरे को Instagram में कि आप कौन सा ड्रोन यूज़ करते हैं। तो मैं जो ड्रोन यूज़ करता हूं वो है DJI Mavic Air 2S। इसको मैंने अभी 4 months पहले ही लिया था, दिल्ली से लिया था इसको। तो काफ़ी अच्छा ड्रोन है ये, और इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है काफ़ी अच्छी है, और इसकी क्वालिटी तो आप देख ही चुके होंगे मेरे इंस्टाग्राम रील्स में। काफ़ी मैं यूज़ करता हूँ और अपनी ब्लॉग्स में भी काफ़ी यूज़ करता हूँ इस ड्रोन को। सो ये ड्रोन प्रोवाइड करता है 4K एट 60 FPS और 5.2K एट 30 FPS। तो काफ़ी अच्छी हमें इमेज क्वालिटी ये ड्रोन देता है। तो इसमें लगा है 1 इंच CMO सेंसर, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो बात करते हैं इसकी बैटरी लाइफ। तो इसकी बैटरी लाइफ है अराउंड 30 मिनट्स का, ये जो फ्लाइट टाइम दे देती है। अगर विंडी कंडीशन है तो आप 25 मिनट अराउंड दे देगी ये वाली। तो इसकी बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छी है। जो सिंपल एयर है उससे थोड़ी सी कम है, लेकिन 30 मिनट्स भी बहुत होता है एक ड्रोन के लिए बैटरी लाइफ एज अ देखा जाए। तो अब बात करते हैं कितनी डिस्टेंस तक ये जा सकता है, कितनी हाइट तक जा सकता है। तो हाइट आप इसको 500 मीटर्स ले जा सकते हैं, लेकिन लिमिटेशन वहाँ हो जाती है जहाँ 120 मीटर्स के अलावा। इसमें एक मैसेज सामने आता है कि आप 120 मीटर से ऊपर नहीं उठा सकते, क्योंकि एयर स्पेस वहाँ शुरू हो जाता है। तो कोई नहीं, 120 मीटर से नीचे भी अच्छे से शॉट्स हमें देखने के मिल जाते हैं। वैसे ज़्यादा ऊपर से एरियल से अच्छा तो नीचे लो वाले एरियल्स 50 मीटर के अराउंड से भी काफ़ी अच्छे एरियल्स मिल जाते हैं आप लोगों को। बाकी जो इसकी डिस्टेंस है तो ये जा सकता है 7 किलोमीटर्स तक आराम से जा सकता है ये, लेकिन 30 मिनट का फ्लाइट टाइम है तो 7 किलोमीटर जाएगा और 7 किलोमीटर वापस आएगा, तो इसको टाइम काफ़ी लग जाएगा। लेकिन ऐसा कभी यूज़ मत करना, मैंने तो अभी तक करा नहीं है, तो आप लोग ऐसा ट्राई मत करना। तो अब मैं इसको बताता हूँ अनबॉक्सिंग मैंने पहले कर दी, लेकिन आपको मैं बताता हूँ कि बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है, क्या क्या चीज़ें इसके साथ एड ऑन्स हैं, क्या क्या चीज़ें अगर आप कॉम्बो नहीं लेते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें और एक्स्ट्रा लेनी पड़ेंगी, तो वो मैं आपको बताऊंगा। बॉक्स के अंदर आपको ये सब चीज़ें मिल जाती है। वैसे मैंने इसको बहुत पहले कर लिया था अनबॉक्सिंग, तो इसके कवर केसेस हैं नहीं मेरे पास अभी, लेकिन फिलहाल मैं बता देता हूँ। इसके साथ मिलती है 3 बैटरीज, 1, 2 एंड 1। एक बैटरी इसमें पहले से लगी है, इसकी बैटरी होती है। ये इसका होता है RCA रिमोट कंट्रोल। ये है हमारा एयरक्राफ्ट जो कि काफ़ी लाइट वेट है। तो मिल जाते हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉपुलर्स, जो कि कभी आपका ड्रोन टकरा गया तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एक बार मैंने यूज़ कर दिया इसको, एक बार ड्रोन टकराया था। और मिलती है ये वाली केबल जो RC को आपके फ़ोन से कनेक्ट करती है, ये वाली Type-C है, और मैंने iPhone वाली अभी लगा रखी है इसमें RC में। बाकी मिलता है ये DJI की ब्रांडिंग के साथ, इससे आप अपना फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं। एक साइड आप बैटरी और दूसरी से आप फ़ोन चार्ज कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मेरे को ये। इसके साथ मिलता है ये चार्जिंग पोर्ट, इसमें आप 3 बैटरी एक साथ चार्ज कर सकते हैं। साथ मिलते हैं ये ND फिल्टर 4, 8 और 16 O2, हाई एक्सपोजर सिचुएशन में आप इनका यूज़ कर सकते हैं। ये एक तरीके से ड्रोन के चश्मे हैं। बाकी ये रही वो सारी चीज़ें जो ड्रोन के साथ मिलती हैं। बाकी इसके साथ आपको SD कार्ड अलग से लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके साथ मिलता नहीं है वो। तो खास बात इस ड्रोन की ये है कि इसमें आगे से 4 सेंसर दिए गए हैं, जो कि बहुत ही खास बना देते हैं इस ड्रोन को, क्योंकि ड्रोन कभी भी ऐसा नहीं जाता। ड्रोन हमेशा ऐसे फ्लाई करता है, जैसे आपने हेलीकॉप्टर भी देखोगे तो ऐसे ही फ्लाई करता है, तो उसके लिए यहाँ पे सेंसर ज़रूर होने चाहिए थे। तो इन लोगों ने यहाँ पे सेंसर दिए हैं, इससे क्या होता है ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस में बहुत ही आसानी होती है, ऑब्स्टिकल से टकराता नहीं है। लेकिन इसमें साइड से सेंसर नहीं दिए गए हैं, जो कि एक इसका नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि अगर साइड वेज में उड़ाते हैं तो आपको कोई बीप सुनने को नहीं मिलेगी। पीछे भी इसमें सेंसर है और नीचे भी सेंसर। तो कुल मिला के इसमें है 7 सेंसर्स, जो कि काफ़ी अच्छा बना देते हैं इस ड्रोन को। तो इस ड्रोन को मैंने रजिस्टर करा लिया है डिजिटल स्काई की साइट पे। तो अगर आप भी ड्रोन परचेस करते हैं, अगर आपका ड्रोन 2 kg या अराउंड 1.5 kg है, तो आपको उसको रजिस्टर करना मैंडेटरी हो जाता है। इसके अलावा आप उसको उड़ा नहीं सकते, और अगर आपने वहाँ रजिस्टर कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं, आप ग्रीन जोन में बिना परमिशन के भी इसको उड़ा सकते हैं। बस एक हाइट लिमिट सेट होती है, जो कि होती है 120 फीट के अबव आप इसको नहीं ले जा सकते, वहाँ पे आपको पहले ही मैसेज आ जाएगा। और इस ड्रोन की खास बात यह है कि इसमें एयर सेंस दिया गया है, जो कि जैसे आपको सामने कोई एयरक्राफ्ट आ रहा है तो ये आपको पहले ही मैसेज दे देगा कि मैंड एयरक्राफ्ट नियर बाई है, आप अपना ड्रोन नीचे कर लीजिए। तो ऐसा मैसेज इसमें पहले ही आ जाएगा। तो काफ़ी अच्छा ये ड्रोन है, आप लोगों को भी ये लेना चाहिए। तो 2021 और 2022 में बहुत लोकप्रिय ड्रोन रहा है, अभी भी लोग इसको ले रहे हैं। इसके अपग्रेड वर्जन भी आ चुका है, लेकिन ये वाला वर्जन मेरा फेवरेट है, इसीलिए मैंने ये वाला लिया। अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। तो आप लोग बहुत ही मतलब
बहुत लोग पूछते हैं इसका प्राइस क्या है, तो इसका प्राइस है 129,000 का ये मेरे को पड़ा है। तो अब आ जाती है इसकी कॉस्टिंग की, तो ये पड़ा है मुझे अराउंड 129,000 का, ये मैंने दिल्ली से लिया था। तो काफ़ी अच्छा ये ड्रोन है और काफ़ी अच्छी इसकी पैकेजिंग है, इसके साथ बैग मिलता है इनबिल्ट, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है ड्रोन का बैग जो कि अच्छी क्वालिटी में है काफ़ी, और इसके अंदर ड्रोन बिल्कुल सेफ़ होता है, मतलब बहुत पैडी सा है ये, बहुत अच्छे मटेरियल है, वाटरप्रूफ नहीं कह सकते इसको, लेकिन प्रोटेक्शन के मामले में ये बहुत ही अच्छा बैग है। बाहर का मौसम दिखा दे, आज अब पौड़ी में हो चुका है बहुत ज़्यादा, मतलब बरसात का आगमन, प्री मानसून बोल सकते हैं जिसको, तो दिखाते हैं आपको बाहर कैसा हो रहा है। तो इनकी पड़ गई है वैकेशन, ठंड लग रही है चार, छुट्टी ले रखी है, बहुत थक गई थी काम करके, फ्रस्ट्रेट हो गया था। तो आज की इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी आपको ड्रोन के रिगार्डिंग, और ये वाला ड्रोन काफ़ी अच्छा है, अगर आप लेना चाह रहे हैं ड्रोन तो इस ड्रोन को आप जरूर बाई करिए, काफ़ी अच्छी क्वालिटी ये ड्रोन देता है।